बड़वानी को कभी निमाड़ का पेरिस कहा जाता था। बाग बागीचे और तालाब बड़वानी की खूबसूरती की पहचान थे। कालांतर में पर्यावरणीय उदासीनता और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल पैदा हुए और इन्हीं के तले दब गए अतीत के सुंदर दृश्य। तहसील से जिले का दर्जा पा चुकी बड़वानी को अब दरकार थी कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों के लिए नए भवन की। इस हेतु चयनित जमीन वीरान बंजर पहाड़ियों के मध्य थी, जहां भवन तो बन सकते थे पर उसे हरा भरा करना चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस चुनौती को स्वीकारा यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने और श्रमदान के जरिए यहां के नज़ारे को बदल कर छोड़ा। श्रमदान का समय एक या दो घंटे नहीं होते थे, प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक, और संडे और सैटरडे के दिन छुट्टी के दिन भी हमने पूरे पूरे दिन काम किया। श्रमदान में पुलिस विभाग, जिला पंचायत, नगर पालिका, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं जन प्रतिनिधियों ने भी महती भूमिका निभाई। पहले यहाँ पर उजाड़ था, अभी काफ़ी हरियाली हो गई है और इसको देख के ज़्यादा खुशी होती है, खुशी का सुकून मिलता है। और हम आगे कोशिश करेंगे कि और अच्छे, मतलब जो सूखा है वहाँ पर भी पेड़ पौधे लग जाए, और हम चाहते हैं कि बड़वानी थोड़ा तीस एकड़ जमीन को उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही यथावत रख पार्क और पौधरोपण की परिकल्पना कर तय किया गया कि कलेक्ट्रेट परिसर को धूम्रपान रहित व साफ रखा जाएगा। और परिसर की साफ सफाई के बाद पौधरोपण के लिए जमीन तैयार करते। नालियों की साफ सफाई तक से व रविवार व छुट्टी के दिनों में 200 से 300 लोग जुटते और अपने अपने दायित्व निर्धारित कर जुट जाते श्रमदान में। दस हजार से अधिक नीम के रोपित पौधे अब युवा होकर लहलहा रहे हैं। सुंदर, सुखद और स्वस्थ वातावरण की भूमिका निभाते ये पौधे सुरम में भविष्य का आगाज हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के चारों ओर पहाड़ियों पर नीम ही नीम नजर आता है। रोपित पौधों को सींचते रहने का जिम्मा लिया जिले के ड्रिप एसोसिएशन ने और हर पौधे तक ड्रिप प्रणाली के जरिए पानी पहुंचाया गया। हम सभी 10-12 लोगों ने, जो ड्रिप व्यापारी है, सभी ने हम यहाँ इनिशियली श्रमदान किया और सभी ने ड्रिप इंस्टॉल किया। ड्रिप के अंतर्गत स्प्रिंगलर एंड ड्रिप दोनों प्लांट, जो प्लांट लगाए हमने, जो नीम के पौधे लगाए हैं, वो रोड टू रोड प्लांट डिस्टेंस के हिसाब से
हमने उसको इंस्टॉल किया है सिस्टमेटिकली। श्रम के परिणाम देख दान दाता भी आगे आने लगे, किसी ने ट्रैक्टर तो किसी ने टैंकर और किसी ने कल्टीवेटर की सौगात देकर अपना योगदान दिया। आज से साल भर पहले यहाँ पर एक पहाड़ी का रूप था और आज ये कलेक्टर परिसर पूरा अपने मूर्त रूप में हरा भरा हरियाली चुनरी ओढ़े हुए। रोपित पौधों के अलावा अन्य स्थानों पर रोपित किए जाने वाले पौधे सुरक्षित रखे गए हैं जो दान दाताओं से भी प्राप्त हुए हैं। ये नेट हाउस है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक तापमान में किस प्रकार से जो है पौधों को बचाए रखें और यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में पौधों का उत्पादन किया जा सके और जो हमारा जो बगीचा है उसमें पौधों को यहाँ से ले जा करके उसमें लगाते हैं। अगले चरण में कलेक्ट्रेट के आसपास की पहाड़ियों को भी गुलजार करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कलेक्ट्रेट कैंपस बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है, कलेक्ट्रेट का भवन भी और कलेक्ट्रेट का ओवरऑल कैंपस भी, क्योंकि जिले भर के नागरिकों का और जिले भर के लोगों का यहाँ आना होता है। तो चूँकि बहुत ड्राई था और पहाड़ियाँ एकदम बैरन थी, यहाँ पर ग्रीनरी भी नहीं थी और बिल्डिंग की जो सुविधाएँ थी भवन की वो भी बहुत उपयुक्त नहीं थी, तो हम लोगों को लगा, मुझे और मेरे सभी साथी अधिकारियों को, कि यदि हम कलेक्ट्रेट कैंपस का यदि कायाकल्प कर सकते हैं तो लोगों को इससे प्रेरित किया जा सकता है। तो एक श्रमदान की परंपरा हमने सभी ने मिलकर शुरू की, इसमें सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और मेरे सभी साथी अधिकारी शामिल हैं। उस श्रमदान की परंपरा के माध्यम से बाहरी श्रम इसमें बहुत कम है, मूलतः ये अधिकारियों कर्मचारियों और सभी जनप्रतिनिधियों का श्रम है जिसके तहत ये विकास किया गया है। शुरुआत हम लोगों ने एक बहुत छोटे से पार्क से की थी, जनभागीदारी निधि का प्रयोग करते हुए, फिर धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए और बहुत सारे लोगों का मुझे सौजन्य भी इसमें प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए जिले की जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए जो एसोसिएशन है उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की, कुछ प्राइवेट नर्सरी के लोग भी शामिल हुए इस पूरे प्रक्रम में, निर्माण विभागों से भी मुझे सहयोग मिला और आज हम देख पाते हैं कि एक बेहतर और एक स्वस्थ वातावरण कलेक्ट्रेट कैंपस का विकसित हुआ है और इसमें सभी की बहुत सहभागिता है। आज यहाँ पर आने वाले लोगों को न सिर्फ बेहतर लगता है बल्कि एक सुखद माहौल में यहाँ के कर्मचारी भी काम कर पा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास निमाड़ के वीर शहीद भीमा नायक की स्मृति में एक विस्तृत पार्क निर्मित किया गया है। अपने श्रम से महकते बागीचे के मध्य चंद घड़ी सुस्ताते और दोपहर का भोजन करते कर्मचारी भी असीम आनंद प्राप्त करते हैं। कलेक्ट्रेट के पहुंच मार्ग के दोनों ओर भित्ति चित्र उकेर कर प्राग ऐतिहासिक काल को दर्शाया गया है।
400 से अधिक प्रजाति के पौधों में फूलों के अलावा फलदार पौधे भी शामिल हैं। पौधों की निरंतर देखभाल और उन्हें बीमारियों से बचाने का जिम्मा यहाँ के सेवानिवृत्त उद्यान विकास अधिकारी ने संभाल रखा है। वे और उनकी टीम के सदस्य पैनी निगरानी रख पेड़ पौधों की साज संभाल करते रहते हैं। ये पौधों में जो बीमारियां लगती है उसमें हम बीमारी के हिसाब से दवाई का स्प्रे करते हैं। जैसे इल्ली लग रही है, मिलीबग लग रही है, तो उसमें हम प्रोपेनोफास वगैरह का स्प्रे करते हैं उस पर। और जो दीमक लग रही है उसमें क्लोरोफारीफास का उपयोग करते हैं। इसमें जड़ों में भी डालते हैं हम क्लोरोफारीफास, और इसके लिए थीमेट आती है टेंजी, उसका उपयोग भी करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, भुरकाव करते हैं उसके ऊपर, तो दीमक नहीं आती उससे। और समय समय पर पानी वगैरह देना पड़ता है। यहाँ पर करीब साल भर से हम यहाँ देख रेख कर रहे हैं। कुल जमा 11 महीनों की अथक मेहनत और सूझबूझ ने बड़वानी कलेक्ट्रेट परिसर की सूरत निखार दी है। सतपुड़ा की वादियों से उठती गर्म हवाएं अब शीतल झोंकों में तब्दील हो चुकी हैं। विकसित चौराहे और कलेक्ट्रेट परिसर की खूबसूरती के पास में बंधे नागरिक यहाँ टहलने आते हैं तो बच्चों की किलकारियां भी यहाँ गूंजती रहती हैं। बाग विहीन हो चुकी बड़वानी में कलेक्ट्रेट के बागीचे बच्चों के लिए उल्लास की नई किरणें लेकर आए हैं। एक मिसाल है बड़वानी कलेक्ट्रेट का यह कायाकल्प। अनुकरणीय है यहाँ के लोगों का जज्बा। प्रणम्य हैं यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि।